महाबली भीम और हनुमान की कहानी में आप सभी का स्वागत है। भीम का पूरा नाम भीमसेन था। उसके पिता पांडु थे, किंतु उनकी माता कुंती को एक बार वरदान में एक मंत्र दिया गया था। जब भी वे किसी भी देवता का हृदय से स्मरण कर उस मंत्र का उच्चारण करेगी तो उन्हें उन देवता से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। कुंती ने भगवान पवन का स्मरण किया था, जिससे उन्हें भीम की प्राप्ति हुई। इसलिए भीम के धर्म पिता भगवान पवन थे। माता कुंती ने इसके अलावा चार और पुत्रों को जन्म दिया। इनके पिता पांडु थे, इसलिए इन्हें पांडव कहा जाता था। हनुमान जी का जन्म वानर रूप में हुआ था। उनकी माता अंजना एक अप्सरा थी, जिन्होंने एक अभिश्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लिया। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिससे वे अभिश्राप से मुक्त हो गई। वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार हनुमान जी के पिता केसरी हैं, जो कि राहु के पुत्र थे। वे सुमेरु के राजा थे। अंजना ने 12 साल तक शिव जी की आराधना की ताकि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो। तब भगवान शिव ने अपने 11वें अवतार हनुमान जी के रूप में अंजना के गर्भ से जन्म लिया। हनुमान जी के धर्म पिता भगवान पवन भी हैं। हनुमान जी बचपन से ही बहुत बलशाली थे, इसलिए उन्हें बजरंग बली भी कहा जाता है। हनुमान जी पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी भी थे। ये भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। अब जानते हैं भीम और हनुमान जी की मुलाकात कैसे हुई। हिंदू पौराणिक कथा महाभारत में जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तब वे सभी वन में वास करने लगे। अर्जुन देवराज इंद्र से दिव्य शस्त्र पाने के लिए हिमालय में तपस्या करने चला गया, ताकि वह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण एवं अश्वत्थामा जैसे और भी वीर योद्धाओं को युद्ध में परास्त कर सके। यह उसके लिए जरूरी भी था। दूसरे 4 पांडव और द्रौपदी की उस समय की जिंदगी अर्जुन के बिना खुशियों से रहित हो गई थी। उस समय के बदलाव की इच्छा से वे सभी एक और शांतिपूर्ण स्थान की तलाश में चले गए और चलते चलते वे नारायण आश्रम पहुँचे। उन्होंने यह निश्चय किया कि कुछ समय वे यही विश्राम करेंगे। फिर एक दिन उत्तर पूर्व दिशा से एक कमल का पुष्प द्रौपदी के पास उड़ कर आया। वह पुष्प बहुत ही सुगंधित था। उसकी सुगंध से द्रौपदी उस कमल पुष्प पर मोहित हो गई। उसने भीम से इस तरह के और पुष्प लाने के लिए कहा। भीम द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए उस कमल पुष्प की खोज में उस ओर चल दिए जिस ओर से उस कमल पुष्प की सुगंध आ रही थी। पुष्प की खोज करते करते वे एक वन में पहुँचे। वन के द्वार में एक वानर लेटा हुआ था, जो कि भीम का रास्ता रोके हुए था। भीम ने उस वानर से कहा, हे वानर, रास्ते से हटो और मेरा रास्ता साफ करो। उस वानर का रास्ते से उठने का कोई मूड नहीं था। उस वानर ने भीम से कहा, मैं बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका हूँ, यदि तुम्हें जाना है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीम ने नाराज होकर बदतमीजी से फिर उस वानर को हटने के लिए कहा, फिर भी वानर वहाँ से नहीं हटा। तब भीम ने कहा कि बूढ़े वानर, तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं कुरु दौड़ से एक क्षत्रिय हूँ। मैं माता कुंती का पुत्र हूँ और भगवान पवन मेरे पिता हैं। मैं भीम हूँ, प्रसिद्ध हनुमान का भाई। तो यदि तुम मेरा अपमान करते हो तो तुम्हें मेरा प्रकोप झेलना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मेरा समय बर्बाद किए बिना यहाँ से उठो और दूसरे स्थान पर चले जाओ। तब वानर ने भीम से कहा, यदि तुम्हें इतनी जल्दी है
तो तुम मेरी पूंछ को हटाकर निकल जाओ। भीम ने पूंछ हटाना शुरू किया, किंतु वानर को कोई असर नहीं हुआ। वानर ने भीम से पूछा कि हनुमान कौन है, मुझे उसके बारे में बताओ कि वह इतना महान क्यों है, उसने ऐसा क्या किया है। भीम ने कहा, तुम इतने मूर्ख और अज्ञानी कैसे हो सकते हो, तुमने शक्तिशाली हनुमान के बारे में नहीं सुना, जिसने श्री राम की पत्नी सीता की खोज में 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघा और लंका पहुँचे। दरअसल तुम अनभिज्ञ हो। वह वानर सिर्फ मुस्कुरा रहा था और भीम वानर की पूंछ हटाने की कोशिश कर रहे थे। उसने बहुत बल लगाया उसकी पूंछ हटाने में, किंतु उस वानर की पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम को कुछ अलग सा महसूस हुआ और उसने उस वानर से कहा, आप कोई साधारण वानर नहीं हैं, कृपया करके मुझे बताएं कि आप कौन हैं। तब वानर ने कहा, भीम मैं वही हनुमान हूँ जिसके बारे में अभी तुम बता रहे थे, मैं ही तुम्हारा बड़ा भाई। तुम्हारा रास्ता आगे खतरनाक है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया था। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ सुगंधित कमल पुष्प लेने आए हो, मैं तुम्हें वह तालाब दिखाऊंगा जहाँ वह पुष्प उगते हैं, तुम वहाँ से जितने चाहे पुष्प लेकर यहाँ से जा सकते हो। भीम बहुत खुश हुए और वे हनुमान जी के सामने झुककर उनसे अनुरोध करने लगे कि मैं आपका वह विशाल रूप देखना चाहता हूँ जिससे आप 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघकर लंका की भूमि पर पहुँचे थे। हनुमान जी ने अपने उस विशाल रूप को धारण कर भीम को दर्शन दिया। भीम उनके विशाल रूप को देखकर दंग रह गए और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर हनुमान जी ने अपने साधारण रूप में आकर भीम को गले लगा लिया और भीम उनसे धन्य हो गई। हनुमान जी ने भीम को आश्वासन दिया कि जब तुम युद्ध के मैदान में शेर की तरह आह्वान करोगे तो मेरी आवाज़ तुम्हारी आवाज़ से जुड़ जाएगी, जिससे शत्रुओं की छाती में आतंक छा जाएगा। मैं अर्जुन के रथ के झंडे पर विराजमान रहूँगा, तुम्हारी ही विजय होगी। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की ताकत और बढ़ गई। हनुमान जी ने अपने भाई भीम को उसके अहंकार से मुक्त कर दिया एवं भीम को दुश्मनों से लड़ने के लिए अधिक से अधिक शक्ति प्रदान की। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। हनुमान जी की सलाह के बाद भीम ने द्रौपदी के लिए तालाब से बहुत से पुष्प अर्जित किए और वापस चले गए। वहाँ द्रौपदी भीम के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इस प्रकार हनुमान जी की भीम से मुलाकात हुई और उन्होंने अपने भाई भीम को महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए ताकत दी। जय श्री राम। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय।